बेटा पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, करंट रेशियो। करंट में करंट एसेट्स ऊपर, करंट लाइबिलिटीज नीचे। स्टॉक, डेटर, एडवांस, प्रीपेड और कैश, इन सबको जब ऐड करोगे ये हुए पड़े हैं, ये करंट एसेट्स 4 लाख के। ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग, ये बेटा करंट लाइबिलिटीज होती है। 2 लाख की 4 डिवाइडेड बाय 2, 2:1 आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट है क्विक रेशियो। क्विक एसेट्स ऊपर, करंट लाइबिलिटीज नीचे। बेटा क्विक होते हैं जब करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करते हैं, तो जब इसमें से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करोगे तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे 172 के, और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख के नीचे आ जाएंगी। दूसरी रेशियो हो गई डेट टू इक्विटी। सर मॉर्गेज और डिबेंचर्स ये हमारे डेट होते हैं, बेटा इनको ऐड करो, ये कितना बन गया? सर ये बन गया, इधर ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरो। ये बेटा डेट बन गया 6 लाख का। ये जब मॉर्गेज और डिबेंचर को ऐड करोगे तो ये बन जाए। और इक्विटी कैसे बनेगी? सर कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड कर दें, कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड कर दें तो इक्विटी बन जाए। 6 डिवाइडेड बाय 6 डेट टू इक्विटी आंसर आ जाए। नेक्स्ट बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो। बच्चे याद है इक्विटी को जब टोटल एसेट्स में डिवाइड करते हैं, इक्विटी कितने की है? सर इक्विटी आपने ये ऊपर नहीं निकाली बेटा, ये निकाली है मैंने 6 लाख की। और एसेट्स कितने के हैं? सर टोटल एसेट्स हैं 14 लाख के, 14 लाख के, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट बेटा है फिक्स एसेट रेशियो। फिक्स एसेट्स ऊपर, लॉन्ग टर्म फंड नीचे। फिक्स एसेट्स कौन से हैं? सर मशीन और फर्नीचर दोनों फिक्स एसेट हैं। ये बेटा कितने के बन गए? सर ये 10 लाख के बन गए। कितने के बन गए बेटा? 10 लाख के। ये मैंने गलत लिखा है, मैंने 8 लाख लिखा, ये 10 लाख है। अच्छा, और नीचे आएगा लॉन्ग टर्म फंड। याद है लॉन्ग टर्म फंड किसको कहते हैं? सर जब कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट्स को ऐड करते हैं, बेटा जब डेट डेट और इक्विटी दोनों को आपस में ऐड करते हैं ना, यानी डेट कितने निकले थे ये देखो, ये हमने निकाले थे, मैंने बताया था आपको, डेट बेटा 6 लाख के, इक्विटी भी 6 लाख की, मिलके 12 लाख हो गया। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? लॉन्ग टर्म फंड। जब डेट और इक्विटी इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाते हैं? लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म। बेटा अब ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। सर कैसे? करंट रेशियो, कैश, लूज टूल, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक, इन चारों को ऐड करना, करंट एसेट्स आएंगे। बेटा ओवरड्राफ्ट, टैक्सेशन और क्रेडिटर, इन तीनों को ऐड करोगे तो करंट लायबिलिटी आएगी, डिवाइड कर देना। बेटा लिक्विडिटी रेशियो होती है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स को हम क्विक एसेट्स भी कहते हैं। तो बेटा जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को क्या कर देते हैं? माइनस। स्टॉक और प्रीपेड को क्या कर देते हैं? माइनस। तो हमारा क्या आ जाता है? लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट्स हमने अभी निकाले हैं, ये देखो इनको ऐड करो, ये कितना बनता है? सर ये बनता है 1,50,000। उसमें से स्टॉक को माइनस कर दो 60,000, तो ये बेटा 90,000 के बच जाएंगे। कितने के? 90,000 के क्विक एसेट या लिक्विड एसेट्स बन जाएंगे। उसको करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इन तीनों को ऐड करोगे तो बनेगी, उस पर डिवाइड कर देना। बेटा नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। जब हम इक्विटी को टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर देंगे, इक्विटी बनती है कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट से। कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट, ये इक्विटी बन जाएगी, और टोटल एसेट्स नीचे आ जाएंगे तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो निकल आएगी। डेट, डेट होता है डिबेंचर और मॉर्गेज, तो डिबेंचर है ये ऊपर आ जाएंगे, इक्विटी नीचे आ जाएगी। इक्विटी इन तीन चीजों को ऐड करने से आएगी, कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। रिटर्न ऑन इक्विटी, सर प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा और जो इक्विटी हमने निकाली है उसको नीचे लिख के 100 से मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट ऑन इक्विटी निकल आएगा। रबिया बेटा ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजना। रबिया मुझे अपना जीमेल भेजो।